जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में। मारुति ने फाइनली 2022 अर्टिगा फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है कल यानी कि 15 अप्रैल को। एंड आज की इस वीडियो में उसकी प्राइसिंग बताने वाला हूँ एंड थोड़े बहुत चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या हमें एग्जैक्टली चेंजेस इस व्हीकल में जो है देखने को मिलते हैं। तो इस व्हीकल में हमें 11 वेरियंट टोटल देखने को मिलेंगे जिसमें CNG एंड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंक्लूडेड रहती हैं। एंड XL6 भी हम इसी महीने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, probably by the end of April to be launched in India। एंड ये दोनों गाड़ियाँ जो है इंजन शेयर ही करेंगी। तो इसमें जो इंजन रहता है वो ही प्रीवियसली वाला ही रहता है, 1.5 लीटर का K15C डुअल जेट पेट्रोल इंजन। बट इस बारी 10 PS पावर बढ़ा दी गई है इसमें। अभी प्रोड्यूस करता है 115 PS ऑफ मैक्स पावर। पहले वाला जो इंजन था सेम ही वो प्रोड्यूस करता था 105 PS ऑफ मैक्स पावर। और इसकी जो टॉर्क रहती है दैट इज़ 136.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ मैक्स टॉर्क। बाकी अगर आप इसको मैनुअल में लेंगे तो इसकी क्लेम्ड माइलेज है 20.51 किलोमीटर्स पर लीटर की, ऑटोमेटिक की है 20.3 किलोमीटर्स पर लीटर की एंड CNG की है 26.11 किलोमीटर्स पर kg की। अब इसमें एक 6-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स भी नया इंक्लूड करा गया है जो कि रिप्लेस करता है 4-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स को जो कि प्रीवियसली हमें देखने को मिलता था। एंड इसमें 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स तो एज स्टैंडर्ड ऑफर ही करा जाता है। इसमें टूर एम वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस करा गया है। ये जो इंजन है ये आपको मिलता है विद द इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर टेक्नोलॉजी यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आपको इस व्हीकल में देखने को मिलता है। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करें, LXi अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन में बात करें तो उसका प्राइस है 8,35,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। VXi का प्राइस है 9,49,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। ZXi का प्राइस है 10,59,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। ZXi प्लस का प्राइस है 11,29,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड टूर एम इन मैनुअल ट्रांसमिशन 5-speed मैनुअल में विद द 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन उसका प्राइस है 9,46,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड अगर आप ऑटोमेटिक 6-speed वाले में लेंगे जो कि नया आया है तो वो VXi से अवेलेबल है तो उसका प्राइस है 10,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। ZXi ऑटोमेटिक का प्राइस है 12,09,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। ZXi प्लस ऑटोमेटिक का प्राइस है 12,79,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और अगर बात करूँ मैं SCNG वेरिएंट के बारे में जो कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिलेंगे तो वो VXi एंड ZXi में देखने को मिलते हैं विच आर प्राइस डेट। VXi का प्राइस है 10,44,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। ZXi का प्राइस है 11,54,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड टूर एम SCNG का प्राइस है 10,41,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। कलर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो कलर ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये है ऑबर्न रेड, देन देर इज़ आर्कटिक वाइट और उसके बाद आता है डिग्निटी ब्राउन, मैग्मा ग्रे, ऑक्सफोर्ड ब्लू एंड स्प्लेंडेड सिल्वर। बाकी इसके जो स्टीरियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं दैट इज़ थ्रू द फ्रंट ग्रिल। साइड में अब आपको नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, पहले आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिलते थे बट इसमें आप डायमंड कट वाले अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। इन द साइड्स रेयर में भी इतना कुछ खास चेंज नहीं आया, बस आपको एक क्रोम स्ट्रिप्स ही देखने को मिल जाती है। मेजर चेंजेस इंटीरियर में आए हैं जैसे कि आपको ट्रांसमिशन भी नई देखने को मिल जाती, इंजन भी नया देखने को मिल जाता है इस व्हीकल में। बाकी अगर मैं इसका आपको इंटीरियर दिखाऊं, वेल वैसे तो मैं इसके हर वेरिएंट पे अलग अलग एक वीडियो बनाने वाला हूँ के वेरिएंट वाइज फीचर आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड ऑन रोड वगैरह प्राइस एंड एक्सशोरूम प्राइजेस भी बताऊँगा, तो वो एक सेपरेट सीरीज सी ही रह जाएगी। बट आज की इस वीडियो में आपको उसके प्राइजेस एंड चेंजेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इंटीरियर एक बार लोड हो जाए फिर देन आई एम गोइंग टू शो यू द टॉप एंड वेरियंट इंटीरियर। तो ये है कुछ इंटीरियर, आपको नया इसमें जो वुडन फिनिश था वो देखने को मिल जाता है एंड स्टेयरिंग व्हील के नीचे भी आपको वही देखने को मिलता है जो कि फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील रहता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, एनालॉग विद एन MID इंसेंटर वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है आपको एंड स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम आप इसमें भी देखने को मिल जाता है। पहली बार हमें ये बलिनो में देखने को मिला था एंड नाउ दिस इज द सेकंड व्हीकल टू गेट इट। इसके बाद अर्टिगा में हमें ऑफर करा जाएगा। ये रहती है इसकी कुछ ट्रांसमिशन, ये रहती है इसकी कुछ अपोस्ट्री एंड इंटीरियर में भी इस व्हीकल के कुछ हमें इतना ही चेंज देखने को मिलता है, मतलब कि थोड़े बहुत फीचर्स में एंड अपोस्ट्री वगैरह में थोड़ी बहुत ओवरऑल लुक में हमें चेंज देखने को मिल जाता है। बाकी आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेक श्योर द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरी इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अर्टिगा की वेरिएंट वाइज फीचर लिस्ट की वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय।